वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना खुद का इयररिंग कलेक्शन। तो हमारे पास कौन कौन सा इयररिंग है, कितने इयररिंग है, कैसा इयररिंग है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, वेयर करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी अपना इयररिंग कलेक्शन। तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, कुछ इतना है, आप देख सकते हो। तो मेरे पास इतना इयररिंग है और ज़्यादा नहीं होगा, 15-20 इयररिंग होंगे इसमें और मैं सब पहनूंगी और आप मुझे बताना कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो चलो मैं सबसे छोटे वाले बॉक्स से स्टार्ट करती हूँ। एक एक पहनने में मुझे बहुत टाइम भी लगेगा बट मैं फिर भी मैं पहनूंगी। फर्स्ट मैं ये पहनती हूँ इयररिंग। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट इयररिंग है।
सो गाइज फाइनली मैंने बहुत सारी इयरिंग दिखा दी, बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। मुझे एक डेढ़ घंटे हो गए मुझे इतने इयरिंग दिखाने में, बट अभी पूरा इयरिंग कंप्लीट नहीं किया है मैंने। अभी बहुत सारे इयरिंग है जो मुझे पहनने हैं, बट मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे साथ साथ मेरा कान भी थक चुका है, मुझे दर्द होने लगा है। पहनो निकालो, तो मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो जितने अच्छे अच्छे थे इयरिंग मैंने पहन कर दिखा दिया, बट उसके बाद मैं सोच रही हूँ चलो आपको मैं हाथ में लेकर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे कान में बहुत दर्द होने लगा है। क्योंकि एक मैं ना निकाल रही थी तो मैं कान में थोड़ा सा उसका वो जो पीछे वाला होता है ना उसका कैप, उससे मुझे चोट लग गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक, मैं एक डेढ़ घंटे से मैं ये कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं बाहर सूट कर रही हूँ और रूम में करती तो गर्मी नहीं लगती, बाहर सूट कर रही थी इसलिए मेरे को बहुत गर्मी लग रही। तो चलो और जितनी इयरिंग बचे मैं आपको एक एक दिखा देती हूँ। सो गाइस ये आप देख सकते हो, मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। गाइस ये आप देख सकते हो एक ही में का दो इयरिंग है, थोड़ा बड़ा साइज है एक छोटा साइज, नहीं ये बड़ा साइज है ये छोटा साइज है, आप देख सकते हो। तो मुझे इसमें का इयरिंग ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। एक बड़ा साइज था मुझे इसमें, ये वाला जो इयरिंग है ना और भी बड़े साइज के आते, इतने बड़े साइज के आते, तो मैंने सोचा वो भी मिलेगा तो मैं पक्का लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बड़े बड़े इयरिंग, मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस ये आप देख सकते हो ये इयरिंग है, बहुत छोटे स्मॉल साइज में इयरिंग है, तो ये भी बहुत प्यारा क्यूट सा लग रहा था। तो आई थिंक मैंने ना इसे एक भी बार नहीं पहना, इसमें से बहुत सारे ऐसे इयरिंग हैं जो मैंने पहना ही नहीं है अभी तक। ये आप देख सकते हो क्लोज से, आई थिंक कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ये वाली इयरिंग है, मैंने एक भी बार वेयर नहीं किया है, तो बहुत क्यूट सा है, छोटू सा इयरिंग है, बहुत प्यारा लगता है ये। तो है ना मैं जब मुंबई गई थी ना तो मैं को वहाँ से मैंने लिया है, और भी इसमें इयरिंग है जो मुझे मेरे भैया ने दिया था मेरे बर्थडे को, ये भी बहुत प्यारा है, इसको मैंने बहुत बार पहना है वीडियोस में। ये इयरिंग है, इसको आप ना इंडियन वेयर पहनोगे ना ट्रेडिशनल कपड़े तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आप ये देख सकते हो, मैं पास से दिखा रही हूँ, पास से अच्छा नहीं आ रहा, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पे पहनने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, ये भी बहुत छोटा सा ट्रेडिशनल कपड़े पे पहनने के लिए है ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। ये वाली भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, ये सब मैंने पहना ही नहीं अभी तक। ये छोटा सा ये इयरिंग है, इसको तो मैंने पहना है, इसे जीन्स टॉप वगैरह वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी आप पहन सकते हो, बहुत क्यूट है, छोटू सा है, तो ये बहुत छोटू सा है, क्यूट सा है, आप भी देख सकते हो। एक छोटू सा है ये रेड कलर का इयरिंग है, छोटे छोटे इयरिंग भी मतलब डेली यूज़ के लिए ये सब है, तो डेली यूज़ के लिए भी ऐसे इयरिंग चाहिए होते हैं। और भी इयरिंग रखे हैं जो छोटे छोटे हैं डेली यूज़ के लिए, देखो बहुत क्यूट क्यूट सा मैंने रखा है। एक ये इयरिंग है, और भी बहुत सारे हैं, मुझे जो भी अच्छे दिखते हैं ना छोटे साइज में तो मैं उसे ले लेती हूँ, क्योंकि उसको ना डेली यूज़ के लिए पहनने के काम आता है फिर, क्योंकि ये वाले इयरिंग ना 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाते हैं और बहुत जल्दी खो भी जाता है मेरे से, इसलिए मैं ढेर सारा रखती हूँ। क्योंकि ये देखो आप एप्पल, सो गाइस एक ये इयरिंग है, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। मैं सब नहीं पहन पाई क्योंकि मेरे कान में भी दर्द हो गया और मुझे चोट लग गया है उसके बैक से, उसके कैप से मुझे चोट लग गया है। मैं बहुत टाइम हो गया खड़े होते होते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। अभी छोटे छोटे इयरिंग थे, मैं इसको क्या पहनूँ। ये देखो ये भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है, इसमें दो पीस हैं इयरिंग के, तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ये है, बहुत प्यारे हैं सब इयरिंग। फाइनली इयरिंग फिनिश हो गई, मैं बहुत अभी और है क्या यार, नहीं सब हो गया, अभी बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। ये इयरिंग ना बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, देखो इसमें पिकॉक बना है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आप देख सकते हो मैंने कैसे इंतज़ाम किया है। मेरे पास ट्राइपॉड है बट मैंने उसमें नहीं लगाया क्योंकि
अभी उसमें कुछ ख़राब हो गया है तो इसलिए मैंने लगाया। सो गाइस आप मुझे बताना आपको मेरा इयररिंग कलेक्शन कैसा लगा और सबसे बेस्ट इयररिंग आपको मेरा कौन सा लगा ये भी बताना। एंड आप ये काउंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कितने इयररिंग आपको दिखाए, ठीक है, कितने मैंने पहने और कितने मैंने आपको ऐसे ही दिखाया, तो वो सब मुझे बताना आप कमेंट में ज़रूर। और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।